हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत इजी है बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी भी होता है, जो हम बनाएंगे दाल से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप उड़द दाल ले लिया है, आधा कप हम मूंग दाल डालेंगे, येलो वाला मूंग दाल है ये मेरा, और आधा कप हम चना दाल डालेंगे, और आधा कप हम तुअर दाल डालेंगे, जिसे अरहर दाल भी बोलते हैं, और आधा कप हम इसमें ऐड करेंगे चावल। चावल छोटे दाने वाले मैंने यूज किए हैं। अब इन सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से क्लीन करके इसमें हम पानी डाल देंगे, और रात भर के लिए मैंने इसे छोड़ दिया है, ढक करके छोड़ दे। रात भर मैंने इसे छोड़ दिया था, अब ये सुबह में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये फूल चुका है, तो मैंने इसे बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है 2 से 3 बार पानी से। अब हम इसको पीस के इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो हम थोड़ा लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा एक साथ ना डालें। इसमें हम डालेंगे हींग 2 से 3 पिंच जितना। अब आधा कप मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश नारियल, 4 से 5 हम लाल मिर्च डालेंगे, आप तीखा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और 1 टीस्पून जितना जीरा, और 5 हम लहसुन की कलियाँ डालेंगे, और 6 से 7 मैंने इसमें करी लिप्स यानी कि करी पत्ता डाला है। थोड़ा सा पानी डाला मैंने और इसका बारीक सा पेस्ट तैयार कर लिया है। इसी तरीके से फ्रेंड्स सारे दाल को पीस ले। एक बाउल में मैंने निकाल लिया है, मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया है, और इन सारी दालों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और फ्रेंड्स जितना ज़रूरत हो हम उतना अलग करेंगे, और बाकी को आप फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया, और अब मैं मुझे जितना बनाना है उतना हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे, और बाकी को हम फ्रिज में डाल देंगे। अब अच्छे से फेटने के बाद अब हम इसे में मिलाएंगे नमक स्वाद अनुसार, और मैंने फ्रेंड्स इसमें डाला है पालक, एक बंच पालक को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया, उसके बाद बहुत बारीक से चॉप कर लिया है। आप इस पालक की जगह अगर और कोई पत्ता इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर हो गया है अब तैयार। ये बैटर बिल्कुल डोसा बैटर की तरह ही रहेगा, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। जो ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने तवे को डाल दिया है गैस पे, मैंने थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाला, बहुत अच्छे से इसकी ग्रीसिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ऑयल यूज़ नहीं करना है अभी। ग्रीसिंग करने के बाद फ्रेंड अब हम इसमें बैटर डालेंगे, बड़े वाले चम्मच का यूज़ करें, और जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा उतना ही आप इसमें डालें। मैंने 2 चम्मच भर के डाला, और इसे अब हम फैला लेंगे। आप तवे के साइज के अनुसार इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा पतला करना है हमें डोसा की तरह। अभी मैंने गैस की फ्लेम को फ्रेंड्स लो रखा है, लो हीट पे ही मैंने शुरुआत में रखा, नहीं तो आप तेज गर्म हो जाएगा तो डालते के साथ ये तवे के साथ चिपक जाता है। तो अब डालने के बाद अब मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम में अब मैंने इसमें डाला है सनफ्लावर ऑयल, या फिर आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर अब हम बहुत अच्छे से ऑयल से फैला देंगे। अब देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से इसे फैला दिया है, और मीडियम हीट पे हम नीचे से रेड होने का वेट करेंगे, और आप देख सकते हैं ऊपर से दिख रहा है कि ये नीचे से भी रेड हो चुका है। तो अब हम इसे पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से ये रेड हो जाए। अब ये हो गया है, तो अब हम इसे एक बन के तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। तो मैं दूसरा बता रही हूँ किस तरीके से करना है। जब आप बैटर को तवे पे डालें तो गैस की आँच को आप लो कर दें और अच्छे से फैला लें, उसके बाद आप उसे मीडियम हीट पे करके रेड होने का वेट करें। तो मैंने फैला लिया है, देख सकते हैं सारा प्रोसेस फ्रेंड बिल्कुल डोसा की तरह ही है। और अब हम ऊपर से पकने के बाद अब हम इसमें सनफ्लावर ऑयल या फिर आप घी कोई भी यूज कर सकते हैं, और अच्छे से लगा दें उसके ऊपर। अब फ्लेम को कर दें मीडियम हीट पे और इसे रेड होने का वेट करें, और रेड होने के बाद फ्रेंड अब ये हमारा सर्व करने के लिए रेडी है।
तो दो बना लिया है मैंने, आप देख सकते हैं। और आप इसे मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें, मैंने नारियल की चटनी के साथ इसे सर्व किया है। तो ये हेल्दी रेसिपी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप इसे ट्राई करने वाले हैं, ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो ज़रूर टैप करें। धन्यवाद।